इस वीडियो में डिस्कस करना है कि कूलम्स लॉ को प्रूफ कैसे करेंगे गॉस थ्योरम से। ठीक है, हमने चैप्टर के एकदम बिगिनिंग के अंदर ही कूलम्स लॉ देखा था। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको कूलम्स लॉ को प्रूफ करने को आया तो आपको यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो कूलम्स लॉ था ना, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट था और आपने उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपने अपने ये लिखा था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2 और उन दोनों के बीच की दूरी है R, तो ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर ये दोनों प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो ये रिपल करेंगे, तो फोर्स रिपल्सिव होगा। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/R² के। फिर आपने क्या करा, इन दोनों को कंबाइन किया और कांस्टेंट यहाँ पे आया 1/4πε₀ और Q1 Q2 R² तो कुछ इस तरह का आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आया था। लेकिन यहाँ पे आपने कोई डेरिवेशन नहीं किया, कूलम्स ने जो स्टेटमेंट दिया था बस आपने उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया है। तो अगर आपसे कूलम्स लॉ का प्रूफ पूछ लिया जाए, या तो वो मेंशन कर देगा कि गॉस थ्योरम से प्रूफ कर दो, या तो वो डायरेक्ट लिख देगा कि कूलम्स लॉ को प्रूफ करो, तो अगर जब भी बोले तो आपको गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमें याद रखनी कि कूलम्स लॉ ये होता है 1/4πε₀, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर। 1/4πε₀, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कूलम्स लॉ, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमें प्रूफ करना है ये चीज, पर स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम से। उन्होंने बोला कि गॉस थ्योरम का यूज करना है, तो गॉस थ्योरम ने हमें बताया था फ्लक्स और उसका फॉर्मूला था Q/ε₀। तो हमें डेरिवेशन करना है, स्टार्ट करना है Q/ε₀ से या फ्लक्स से, और हमें ये लाके देना है। समझ रहे हो आप लोग, फ्लक्स से स्टार्ट करना है और हमें ये फॉर्मूला लाके देना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हैंड टाइम फ्रॉम प्रूव गॉस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को कि कैसे करा जाएगा। यहां पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज लेते हैं क्यू। ठीक है, हमने गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा है, और आप ध्यान से सुने, जहां पे भी गॉस थ्योरम लगेगी, जहां पे भी आप गॉस थ्योरम लगाओगे, तो गॉस थ्योरम लगती है क्लोज सरफेस के अंदर। अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस में इनक्लोज्ड है तभी आप गॉस थ्योरम लगा पाओगे। तो गॉस थ्योरम की जो नेसेसरी चीज है वो ये है कि सरफेस होने चाहिए क्लोज, जो चार्ज होने चाहिए वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर ये चार्ज है और इस चार्ज पे आपको लगाना है क्या कूलम गॉस का थ्योरम, गॉस का लॉ, तो आपको इसको एक इनक्लोज करना पड़ेगा क्लोज सरफेस में। जो क्लोज सरफेस बनता है उसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। फिर से, अगर आपको कूलम सॉरी गॉस लॉ लगाना है तो आपको एक क्लोज सरफेस, एक क्लोज कर्व बनाना पड़ेगा, और वो जो क्लोज सरफेस होता है उसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस। तो अगर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है उसका शेप होता है स्फेरिकल। याद रखेंगे, पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है उसका शेप होता है स्फेरिकल। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, जो कि, और ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास गॉसियन सरफेस। पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्फीयर होता है। ठीक है, स्फीयर। अलग अलग ज्योमेट्री के लिए अलग अलग गॉसियन सरफेस आएगा। अगर आगे आप देखेंगे तो अगर हमारे पास लाइन चार्ज है तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर आ जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास शीट है, स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में चार्ज है शीट के फॉर्म में, तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर आ जाता है। तो इस तरह से बातें होती है। लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो गॉसियन सरफेस आएगा वो स्फीयर आएगा। फर्स्ट है, देखो ध्यान से, ये हमारे पास है एक चार्ज क्यू, और मैं अगर आपसे पूछूं, मान लेते हैं इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है आर। तो देखो यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज किया है क्यू, और उसकी वजह से जो गॉसियन सरफेस है उसका जो शेप है स्फेरिकल, और उस स्फीयर का रेडियस हमने मान लिया आर। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से या इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है हमें वो निकालना है। फर्स्ट चीज क्या करेंगे, इस पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम पूरे स्फीयर का तो नहीं पता, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, और उस स्मॉल एरिया का नाम है dA। क्या नाम है, स्मॉल एरिया का dA। तो फर्स्ट थिंग हमने क्या करा, स्मॉल एरिया ले लिया और इसका नाम क्या है dA। अब इसका अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो मैंने पिछले डेरिवेशन में बताया था कि एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो ये है हमारा एरिया और इस एरिया से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, यानी कुछ इस तरह का हमारा डायरेक्शन होगा किसका, डीए वेक्टर का। समझ में आ रहा है, हमने क्या करा,
हमें इस पूरे स्फीयर की वजह से निकालना था फ्लक्स, लेकिन हमने पूरे स्फीयर की वजह से तो हम निकाल नहीं पाएंगे डायरेक्ट, तो हमने क्या करा, एक छोटा सा एरिया लिया डी ए और उसकी वजह से हम फ्लक्स चेक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो डी ए का डायरेक्शन होगा वो इस एरिया से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डी ए वेक्टर है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस स्फीयर के साथ, ठीक है। तो ये जो डी ए का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह का होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये पॉइंट चार्ज है और ये प्लस है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बाहर की तरफ, तो इस एरिया वेक्टर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। हम अगर गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे तो फर्स्ट थिंग हमें कहता है एक पॉइंट चार्ज लेना है, उस पॉइंट चार्ज में अगर हमें गॉस थ्योरम लगानी है तो एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। हमने क्या करा, एक स्मॉल एरिया लिया डी ए, ठीक है, स्मॉल एरिया लिया डी ए और एक उसी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ई है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा कितना है 0। आप चाहो तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर हम बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन से जाएं तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, या तो हमने ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ई ए कॉस थीटा, यही पढ़ा था ना। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहां पे जो हमारा फ्लक्स है वो इस डी ए की वजह से निकालना है हमें, तो डी ए की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा डी फाई। देखो ए की वजह से जो फ्लक्स आता है उसका नाम होता है फाई, अगर पूरा एरिया है तो फ्लक्स भी पूरा होगा, लेकिन हेयर बट हेयर क्या होगा हमारे पास, बट हेयर जो हमारे पास फ्लक्स है, बट हेयर फ्लक्स इज डी फाई ई थ्रू एरिया थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। तो जो डी ए से जो फ्लक्स जा रहा है वो डी फाई है, क्यों, क्योंकि ये स्मॉल एरिया है, उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा डी फाई। अब ध्यान से देखो डी फाई का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, डी फाई का फॉर्मूला लिखूंगा ई की जगह तो ई रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ई है, इस छोटे से एरिया से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रही है। ऐसा मत कहना कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हो गई, ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है सब जगह से ई जा रही है, इस छोटे से एरिया से भी ई जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमने जो छोटा सा एरिया लिया वो आ जाएगा डी ए और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इतना नोट करें आप ध्यान से, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना यहाँ पे थीटा कितना रखोगे, थीटा देखो कितना रखोगे 0, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो ये डी फाइ ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो जो डी फाइ की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास ई डी ए, क्या हो जाएगी आपके पास ई डी ए। यहाँ पे समझ में आ गया, हमने क्या करा, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा ई ए, फिर हमने लिखा कि ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे अगर एरिया पूरा होता है तो फ्लक्स भी पूरा होता है, लेकिन हमने एरिया लिया डी ए तो उससे बनने वाला फ्लक्स हो गया डी फाइव, यहाँ कॉस 0 लगा कॉस 0 होता है 1, तो अभी जो फ्लक्स आ रहा है जो स्मॉल एरिया डी ए से जा रहा है वो है ई डी ए। समझ आ गया यहाँ तक, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए टोटल फ्लक्स इस स्फीयर से, टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना है, टोटल फ्लक्स जो कि है आपका फाइ ई पासिंग थ्रू द स्फीयर, अगर हमें पूरे स्फीयर से फ्लक्स जो फाइ ई जा रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेगी, देखो जो हमारे पास फ्लक्स आया वो आया है डी फाइ ई और उसकी वैल्यू है ई डी ए, लेकिन हमें चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल कैसे निकालेंगे, तो अगर छोटे से एरिया डी ए से डी फाई जा रहा है तो पूरे एरिया से क्या जाएगा फाइव, तो पूरे एरिया से निकालने का मतलब है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पे डी ए डी ए डी ए सबको जोड़ना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो अगर आप इंटीग्रेट इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये फाइव ई डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फाइव ई, ये छोटा सा फ्लक्स था इंटीग्रेट कर रहा तो पूरा फ्लक्स बन गया टोटल फ्लक्स, और यहाँ पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन होगा डी ए का, ठीक है, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, पिछली डेरिवेशन भी करा था कि डी ए डी ए डी ए, इन सारे डी ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट एरिया ऑफ स्फीयर,
भाई सारे एरिया को छोटे छोटे एरिया को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² तो आप dA की जगह क्या लिख सकते हो, E इंटू 4πr² इंटू 4πr² तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो जो फाइ है, फाइ E फ्लक्स का जो फार्मूला आ रहा है वो है आपके पास E इंटू 4πr². इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया, पहली इक्वेशन से हमने फ्लक्स निकाला है, वैल्यू आ रही है E इंटू 4πr², इसको नाम दिया है हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आइए दूसरी इक्वेशन जो कि हमारी होगी गॉस थ्योरम, उसका यूज करते हैं। ध्यान से सुनना, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम से क्या हम ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/ε0 और उसका मल्टीप्लाई कर दो जो भी चार्ज अंदर है, जो चार्ज अंदर कौन है, क्यों, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, Q/ε0। ठीक है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो, इन दोनों का LHS सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी फ्लक्स है, यहाँ पे भी फ्लक्स है, तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। अगर इनका लेफ्ट सेम है तो राइट सेम होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा, E इंटू 4πr² और सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, Q/ε0। और अगर मैं यहां से E निकालूं, E इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कुछ ऐसी आएगी 1/4πr² Q/ε0। आप चाहो तो इसको अरेंज कर लो, ε0 को इधर लिख लो, r² को इधर लिख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ रहा है वो है 1/4πε0 Q/r². ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद भी होगा सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट थिंग हमने जो करी है वो ये करी है कि कूलम्स लॉ को तो प्रूफ करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग हमने करी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लिए आए हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फर्स्ट थिंग हमें जो करनी है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अब करेंगे हम कूलम्स लॉ की तरफ ही बढ़ना है, कूलम्स लॉ में ही करना है था ये। ठीक है, तो पहली चीज हमने करी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लाए हैं और वैल्यू आई 1/4πε0 Q/r². अब क्या करो, ध्यान से सुनना, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट P पे एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये पॉइंट P है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं Q0। क्या लिखना, ध्यान से सुनना, एट पॉइंट P प्लेस अ टेस्ट चार्ज, प्लेस अ टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q0। समझ रहे हो, ये पॉइंट पी पे क्या रखा मैंने, क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर पॉइंट पी पे तुमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा तो क्या होगा, देखो ये कुछ इस तरह की तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, अब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रख दिया, चार्ज क्यू नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई तुम चार्ज रख दो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F=, क्या Q0 × P, यही होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रख दो तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो चार्ज उसका मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज रख दिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपने क्या रख दिया, चार्ज, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q×Q0 × P। समझ गए, Q0 × P, तो एट पॉइंट P प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q0, इट देन Q0 will experience a force, will experience a force, और वो फोर्स क्या होगा भाई साहब, वो फोर्स होगा F, अपन ले लेते हैं FE, इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं इसको, तो FE क्या जो वैल्यू होगी, F ले लेते हैं, वो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी क्या, Q0 जो भी चार्ज रखा है और मल्टीप्लाई कर देंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है, तो Q0 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ध्यान से सुने, E की वैल्यू हम पहले निकाल के ला चुके हैं, जो मैंने लास्ट में बताया था कि सिंस E की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 1/4πε0 Q/r², ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1/4πε0 Q/r² और इसका मल्टीप्लाई किससे हो गया, तो E की वैल्यू रखिए और इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, Q0 से, तो जो हमारा फॉर्मूला, अगर हम इसको अरेंज करें अच्छे से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, F=1/4πε0, पहला चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है Q0 और ये हमारे पास r². ध्यान से देखें ये कौन सा फॉर्मूला है, ये
यह आपका कूलम्स लॉ, ये होता है कूलम्स लॉ। तो आपने गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया, समझ में आ गया। हमने पहले फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई, फ्लक्स की डेफिनेशन लगाने के बाद हमने यहाँ पे कूलम्स लॉ को प्रूव कर दिया। तो पहले फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई, फिर गॉस थ्योरम लगाया, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने क्या करा, एक चार्ज को रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उस पर कुछ फोर्स लगा और उस फोर्स की वैल्यू ये कूलम्स लॉ के बराबर आ गई, समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका कूलम्स लॉ, इंपॉर्टेंट है आपसे अगर एग्जाम में कूलम्स लॉ का प्रूव आएगा तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके।